محمد رسول الله عليه صلاة الله نحمده ونسلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى نے سورة إبراهيم آية 34 میں فرمایا वह आता को मिनकुल नीमास तुम हो कि अल्लाह सुबहाना ताला जो जो चीज तुम उससे मांगते हो वो तुम्हें अता करता है वो तुम्हें देता है नवाजता है वाइन तो हाँ और देखो अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे शुमार करना चाहोगे तो तुम इन्हें नहीं कर सकोगे इंसाना बेशक इंसान बहुत ही नाशुकर और बहुत ही सालिम है इसे इसी तरह एक मिलती जुलती आयत सूरा नहल की आयत नंबर अठारह में भी बिल्कुल ऐसा ही मजमून किया गया। कि देखो अगर तुम की को शुमार करके गिनना चाहोगे तो तुम इन्हें शुमार नहीं कर सकोगे और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह बड़ा गफुरम गफूर, रहीम है। गफूर रहीम रब ने अपनी दिए जाने वाली नेमतों और इनामात का तस्करा करके इंसान की नाशुक्री का तस्करा फरमाया है इसको रद्द करके अपने गफूर रहीम होने और उसकी इस नाफरमानी को बख्श देने और अपनी रहमत का तस्करा फरमाया है हमारा रहमान रब बड़ा रहीम बड़ा रहमान है वो हमें नेमतें देता है तो देता ही चला जाता है इतनी नेमतें देता है इतनी नेमतें देता है कि बहुत सी नेमतें तो हमारे मांगने पर देता है लेकिन उससे ज्यादा नेमतें वो हैं जो बिन मांगे नवाजता ही चला जाता है बहुत सी नेमतें वो देने वाला रहमान ऐसी देता है जो हमारे में हैं और बहुत सी नेमतें लातादाद, उससे ज्यादा अनगिनत नेमतें वो हैं जो ना जानते हुए हमारे में नहीं भी वो और हम पे उंडेलता चला जा रहा है यह है वो वह रब जो इन आयात में अपने शुक्र का मुतालबा और न शुक्री की तरद फरमा रहा है शिक्र वो पसंदीदा अमल है अल्लाह सुबहाना ताल जिसकी ताक़द भी फरमाते हैं और जिस रवैये को अपने बंदे के लिए पसंद भी फरमाते हैं शुक्र अल्लाह सुबहाना तै की नेमतों का एतराफ़ है मतलब क्या है कि वो हैं जो इनाम रब ने दी हैं उनका इतराफ करना उनको एक्नॉलेज करना उनको एक्सेप्ट करना उनको याद रखना ये है शुक्र बेहतरीन और अफजल तरीन अमल और एक बहुत ही पसंदीदा तरीन फेल है शुक्र कैसे किया जाता है अगर हम रोजमर्रा जिंदगी के मामूलात के हवाले से देखें कि अगर कोई हमेशा हमारा कोई अजीज हमारी बहन कोई हमारे रिश्तेदारों में से हमें कोई तोहफा कोई हदिया देता है तो हम शुक्र कैसे करते हैं जरा सोचें अपने डे टू डे लाइफ में हमारे शुक्र का अंदाज़ सबसे पहले शुक्र जबान से किया जाता है जबान तो उसकी उस उस मेहरबानी उसकी मदद उसके इस हदी उस तोहफ़े को एक्नॉलेज करके उसको शुक्र किया जाता है और फिर दिल से शुक्र कि वो शख्स जिसने वो हदिया वो तोहफ़ा वो इनाम वो मुआवनत की उसको दिल से अपना मोहसिन तसवर किया जाता है उसकी मोहब्बत दिल में आ जाती है बिल्कुल ये तस्वुर और ख़्याल क्या है उसने मेरे बारे में सोचा वो इतनी दूर से उठा के मेरे तोहफा लाया तो वो महसिन बन जाता है वो महबूब बन जाता है दिल में उसकी मोहब्बत आ जाती है ये दिल से शुक्र है और फिर अमल से शुक्र ये कि वो शख्स जिसने तोहफा दिया था उसको तोहफा लौटाया जाता है उसको रिटर्न किया जाता है और फिर लोगों से उसके तोहफे के बस औकात एक्नॉलेजमेंट और उसका तस्करा भी किया जाता है ये हमारी दुनियावी डे टू डे लाइफ में हमारे शुक्र का तरीका और अंदाज है रब राज रब खालिक रब मालिक उसके शुक्र का तरीका भी इन्हीं सत इन्हीं सतहों पर किया जाता है जबान से शुक्र दिल में शुक्र और अमल से शुक्र जबान से शुक्र क्या है कि नेमत के मिलते ही जो भी नेमत ना सुबहाना तरफ से मिले शुक्र के कलमात अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा और वह मसनू दुआए दिल में शुक्र यह है कि वो राज़िक, वो खालिक वो रब वो मालिक वो रहमान वो मोइज जिन नमतों से नवाजे उस मोहसिन उस रब को अपना मोहसिन बना लेना उस अलदूद की मोहब्बत में डूब जाना उसके उस एहसान का एतराफ़ करके उसको अपना महबूब बना के व लजीना आमन अरशद हब्म की कैफियत इख्तियार कर देना ये दिल का शुक्र है और फिर अमल से शुक्र क्या है अमल से शिक्र ये है कि वो नेमत जो रब ने दी है उस उस नमत को रब के तरीक़े के मुताबिक उसकी हदूद उसके हलाल हराम की कयूद के मुताबिक हासिल किया जाए वो नेमत इस्तेमाल करते हुए भी रब के अहकाम और उसके हदूद और कयूद के मुताबिक इस्तेमाल की जाए और फिर अमली शुक्र यह है कि उस नेमत को अल्लाह की रजा और उसके रास्ते में इस्तेमाल किया जाए वसन आप देखें कि अल्लाह सुबहाना ताली अगर माल देता है अगर वो रहमान रब व राजिक माल की नेमत से नवाजता है तो माल की नेमत का शुक्र का पहला अमली शुक्र का पहला तरीका यह है कि माल हलाल और जायज तरीके से कमाया जाए हराम रिस्क से इज्तनाब किया जाए और माल जब आ जाए कमा लिया जाए तो उस कस्बे हलाल को रब के हराम करता तरीके रिया इसराफ नमूदो नुमाइश तकबर इन हरामकारी की तरफ खर्च न किया जाए और फिर अमली शुक्र का तरीका माल के हवाले से यह है कि उसमें से कुछ माल अल्लाह की राह उसकी जन्नत के हसूल के लिए भी खर्च किया जाए तो इस हवाले से अगर आप जरा सा गौर करें तो आपको इस चीज का एहसास होगा कि शुक्र गोया अल्लाह की वो इबादत है जिसमें माली जिस्मानी और रूहानी इबादत के अनासर मौजूद हैं गोया शुक्र बंदे की एक बड़ी ही जामे इबादत है एक ऐसी जामे इबादत जिसमें जिस्मानी, रूहानी और माली इबादात तीनों के अनासर मौजूद हैं, गोया ये इबादत में से एक जामे इबादत है और जब शुक्र एक जामे इबादत है तो ये शुक्र गुजार बंदा फिर गोया अपना मकसद तख्लीक पूरा करता है जब वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र करता है क्योंकि जिंदगी की मकसद इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह ने कुरान में फरमाया वाहलना वियाबून मैंने जिन्हों और इंसानों को बनाया ही इसलिए है कि वो मेरी इबादत करें। तो गोया एक शाकिर शुक्र की शुक्र की जामे इबादत के साथ अपना मकसद तख्लीक पूरा करता है अपना इबादत का तरीका उसकी तकमील करता है और फिर नबी अलैहि वसल्लम की वो दुआ नमाज के बाद के मसनू असकार की दुआनी अला जिक्र का शिक्र का वसन अबा के अला सुबहाना मेरी मदद कि मैं तेरा जिक्र करूँ मैं तेरा शुक्र करूँ और इस जिक्र और शुक्र की बुनियाद पर मेरी इबादत में हुसन पैदा फरमा वह या शुक्र का फिर अगला फ़ायदा और अगली बरकत और फजीलत यह है कि ये सिर्फ मकसद तख्लीक की तकमील इबादात की तकमील इबादात की तरफ माइल और कायल करने ही का जरिए और वसीला नहीं है बल्कि इबादत में हुसन पैदा करने का तरीका भी है वो जबान जो िर होगी वो दिल जो शाकिर होगा उस ही की इबादात में हुसन लुफ्फर खुशू और खुजू और हलावत पैदा होगी सिर्फ यही नहीं शुक्र और शुक्रगुजार दिल एक मोमिन को सरात मुस्तकीम और जन्नत के रास्ते पर चलना आसान कर देता है अल्लाह सुबहाना तूरा दहर में फरमाया इन्ना हो सबील कि हमने हुए कुरान को रास्तों की रहनुमाई की है इन्ना हो सबील मशाक रन कफूरा यह बसकी मर्जी है कि वह शुक्रगुजार होकर जिंदगी गुजारे या ना शुक्रा होकर जिंदगी गुजारे तो को बंदा जब अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा बन के ज़िंदगी गुजारता है तो उसके लिए जन्नत के बुलंदी की तरफ जाने वाले मुश्किल रास्ते पर चलना शाकिर के लिए आसान हो जाता है और जब वो न शुक्री के अमल पर जिंदगी गुजारता है तो फिर जहन्नुम की ढिलवान से फिसल कर जहन्नुम के गड़े और मायूसियों के दलदल में जाना उसके लिए सहल हो जाता है शुक्र की एक और फजीलत के अल्लाह सुबहाना ताला ने इस दुनिया को इस दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया अल्लाह ने कुरान में फरमायाबल हमने जिंदगी और मौत को बनाकर तुम्हें दुनिया में कुछ देर क्याम के लिए भेजा ही इसलिए है कि तुम्हें पता चल जाए कि अल्लाह सुबहाना ताला को तुम्हारे अमल से पता चल जाए कि अहसन अमल कौन करता है अहसन अमल हुसन में इबादत इबादात में हुसन अखलाक में हुसन मामलात में हुसन भी लाने के लिए शुक्र करना और जिंदगी में शुक्र का तरीका राइज करना जरूरी है अल्लाह सुबहना ताला इस दुनिया की जिंदगी में मुख्तलि तरीकों से आजमाता है उसने कुरान में खुद कहा लाना वन नकुम अलबत् तुम्हें जरूर आजमाऊंगा वो आजमाता है कभी नमतें देकर आजमाता है कभी ना देकर आजमाता है कभी देने के बाद वापस लेकर आजमाता है और कभी ना देने के बाद देकर आजमाता है ये उसकी आजमाइश के तरीके और इन्हीं आजमाइश के तरीकों के हवाले से वसूरा नमल की आयत नंबर चालीस में फरमाता है अल्लाह फरमाते ली यबलू वनी ये सब तरीके कार का मेरे क्यों है ताकि वो आजमाए वो आजमाए किस बात को आश अम अकबर ताकि वो आजमा मुझको हजर सलैम सलाम के जुमले के अल्लाह सुबहाना मुझे इन तमाम नेमतों की तकसीम के जरिए सिर्फ आजमाता है क्या मैं शुक्र करता हूँ या मैं अल्लाह की नेमतों का इनकार और कुफराने नेमत करता हूँ गोया शिक्र करना इंसान को अल्लाह की अल्लाह का जो मकसद जिसके लिए उसने हमें दुनिया में भेजा है इस इम्तिहान गजमाए जाने वाला शख्स भी इस दुनिया की और आखरत की आजमाइशों में पूरा तभी होगा जब वो शकूरा अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा बन के रहेगा और अगर ना शकर कफूरा बन के जिंदगी गुजारेगा तो दुनिया और आखरत के दारुल इम्तिहान में नाकाम और खास होने का इम्कान है सिर्फ यही नहीं शुक्र अल्ला का हुक्म भी है हुक्म खुदाबंदी है अल्लाह सुबहाना तसूरा बकरा में वाज तौर पर फरमा दिया वाशली वाला तकफरूली कि देखो मेरा शुक्र किया करो मैं तुम्हें नेमतों से नवाजता हूं जो मांगते हो मैं तुम्हें अता करता हूं तो लिहाजा तुम मेरी नेमतों का एतराफ किया करो मेरा शुक्र किया करो और न शुक्री को गोया इस आयत में अल्लाह ने कुफराने नेमत और उसको कुफर कुफर के साथ मनसूब कर दिया गोया अल्लाह के एहमात की अतात भी शुक्र ही के साथ लाजिम है अतात इलाही और शुक्र का भी ऐसा जैसे चोली दामन का साथ है क्योंकि याद रखिएगा अल्लाह के अहकाम की अताद भी वही कर सकता है जिसके दिल में उस अलवूत की महब्बत हो जिसके दिल में उस मोहसिन उस रब का बतौर मोहसिन तारुफ उस मोहसिन की मोहब्बत में डूबकर उस खाले को मालिक की मोहब्बत में डूबकर उसकी रजा का अमल करना आसान है शुक्रताते इलाही के दरवाजे भी खोल देता है और फिर सबसे बढ़कर शुक्र एक शाकिर के दिल में अल्लाह की किबरियाई समा देता है और फिर ये किबरियाई समोने के बाद बंदे के दिल में से तकबर निकाल कर आजी उंडेल देता है ये है शुक्र का करिश्मा मसन आप देखें कि अल्लाह सुबहाना तला ने एक शख्स को बहुत बड़ी कोठी दी बहुत बड़ी जायदाद दी बहुत माल दिया बहुत उहदा दिया बहुत इकतदार दिया अगर वो इन सारी की सारी खुदादाद नेमतों के लिए अपने जोरे बाजू के बजाय अपने तकबर अपने तफाखर और अपने जोर बाजू पर घमंड करने की बजाय यह कह दे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे रब की देन है तो रब की नेमत का एतराफ़ उसके दिल में से अपनी किबरियाई अपना तकबर अपना तकाफुर निकाल कर घुरज के निकाल के रब की किबरियाई डालकर उसको अल्लाह का आजज और मुन के सरोल मिजाज बंदा बना देगा ये है शुक्र का करिश्मा कि शाकिर बंदा, बंदा वो है जो अपने दिल में से तकबर निकालने में भी कामयाब हो जाता है तो दोहरा लीजिए शुक्र वो जाम इबादत है जो इबादत की तकमील का जरिया है इबादत के हुसन का जरिया है मेरी और आपकी मकसद तख्लीक को पूरा करने का जरिया है सराते मुस्तकीम पर चलाना और हदायत के रस्ते पर चलाने पर आसानी से चलने का वसीला और तरीका भी है और शुक्र हमें दुनिया की आजमाइश और इम्तहान गाह में पूरा करने का वसीला भी बनता है शुक्र अल्लाह की अतात भी आसान करता है शुक्र अल्लाह की किबरियाई दिल में डालकर अपने अपने तकबर और घुमंड से दिल को खाली भी करता है इसीलिए आप सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने फरमाया तीन चीज़ें जो जमा किए जाने के लायक हैं तीन चीज़ें जो जमा किए जाने के लायक हैं वो है झाकिर ज़बान शाकिर दिल और सबर करने वाला जिसम जिक्र करने वाली जबान शिक्र करने वाला दिल और सबर करने वाला जिसम ये है जो जमा किए जाने के लायक और इसी से मिलती जुलती हदीस के अल्फाज में कुछ ऐसे भी आते हैं कि आपने फरमाया जिसको चार चीजें मिल गई उसको गुनिया, उसको गोया दुनिया की सारी रहमत मिल गई जिसको चार चीजें मिल गई उसको गोया दुनिया की सारी भलाई और खैर मिल गई ये चार चीजें क्या है जाकिर जबान शाकिर दिल साबिर जिसम और दीन के मददगार अलाहम जालनी सबूर और जालनी शकूर और फिर और फिर अगर आप ये देखें तो कुरान की आयत सूरह इब्राहिम की आयत नंबर सात में अल्लाह ने शुक्र का असल और सबसे बड़ा और खूबसूरत फायदा बताया है अल्लाह फरमाते हैं वाहताजना रब कि देखो जब तुम्हारे रब ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया है इजन दे दिया है क्या ला इन शकर तुम लाजी तकुम इस बात को याद रखिएगा बड़ी खूबसूरत आयत है कि तुम्हारे रब ने इस बात का ऐलान कर दिया है ला इन शकर तुम ला अजी इन कफर तुम इन ना अजाबी ला शदीद मेरे बंदे अगर मैं तुम्हें नेमतों से नवाजूंगा तुम इन नेमतों को याद रखोगे इनका इतराफ करोगे मेरा शुक्र करोगे मेरे शुक्र गुजार बंदे बन के जिंदगी गुजारोगे तो मैं तुमसे इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें मजीद नेमतों से नवाजूंगा और याद रखना कि अगर मैं तुम्हें नेमतों से नवाजूंगा और तुम मेरी नेमतों को भूल जाओगे मेरी नेमतों को भूल जाओगे कुफराने नेमत का तरीका इख्तियार करोगे तो फिर याद रखना मेरी पकड़ और मेरा अज़ाब फिर बहुत शदीद है गोया शुक्र करना नेमतों के इजाफे और कुफर करना अजाब इलाही का जरिया और वसीला बनता है शुक्र अल्लाह सुबहाना तुम दिया फुज मा आताईता देखो जब मैं तुम्हें कुछ देता हूँ तो उसको थाम लिया करो उसको ले लिया करो और शुकर किया करो। और किया ने करोसा की आयत नंबर 145 में शकरतुम व आमन तुम अल्लाहु शाकिर नलीमा अल्लाह तुम्हें देकर क्या करेगा अगर तुम उसके शाकिर बंदे बनोगे अगर तुम उस पर ईमान लाओगे उसकी नेमतों का इतराफ करोगे वो बड़ा कतरदान है और वो बड़ा जानने वाला है तो लिहाजा शुक्र गुजारों की वो नेमतों का इजाफा करता है उनको अचर देता है और वैसे वो शुक्र गुजारों को जानता है क्योंकि अल्लाह कुरान में वाज तौर तो पर फरमाते नजर आते हैं आलई करने वालों को क्या जानता नहीं है वो जानता है वो अलीम वो खबीर वो समी शाकरों को कदरदानों को भी जानता है और न शुक्रों को कफूरा को भी जानता है और फिर वो कुरान ही में वादा करता नजर आता है वसना सना जज शाकिरीन अन करीब हम शुक्र करने वालों को बहुत जबरदस्त जजा देंगे اللَّهِ 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 के वे से ज्यादा और सच्चा किसका हो सकता है गोया रब में यह वादा कर रहा है कि हम शाकरों को बहुत बेहतरीन जजा देंगे तो ये मामला मौजूद शिक्र करने वालों को अल्लाह सुबहाना त्या जजा देंगे बहुत ही खूबसूरत आये तो सुबहाना तजरत इब्राहिम के हवाले से कुरान में फरमायाब्राहिम कौन तल्ला नी फन के देखो इब्राहिम एक उम्मत थे एक ग्रुप थे और वो अल्लाह के लिए फरमाबरदार बरदार थे यकसू थे और उनकी एक सेफ ये थी कि वो शिरक करने वाले नहीं थे जरत इब्राहिम की तारीफ़ फरमाते हुए फिर आगे अल्लाह ने तारीफ़ फरमाते हुए फरमाया व शाकिरन ले नामी ही कि हज़रत इब्राहिम आसमाम जो मुस्लिम हनीफ थे अल्लाह के फरमा बरदार थे कनूत और फरमा बरदारी और शिक नफी जिनका तरीका था उनकी फिर एक और बड़ी पसंदीदा सिर्फ ये थी कि अल्लाह के इनामात पर शाकिर थे तो सब ने अपने शाकिर बंदे को जो शाकिर अन अमी ही का तरीका इख्तियार करता है शायद देखिए अल्लाह ने क्या दिया अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने चुन लिया उनको मैंने चुन लिया उनको कैसे चुना गया था सुरा बकरा में आता है नहीं जाए ना से इमामा कि मैं तो तुझे इमामत से नवाजना चाहता हूं अल्लाह सुबाना ताली ने हज़रत इब्राहिम को उनकी सारी जरूरीत को उनकी नस्ल को नबूवत के लिए इल्म के लिए फहम के लिए फरासत के लिए रहती दुनिया तक इज्जत के लिए जिक्र खैर के लिए अपने कुर्ब के लिए अपनी रजा के लिए अपनी रहमतों और बरकतों के लिए मुंतखब कर लिया अदा करूँ मैं उनका भी शुक्र अदा करूं और फिर मैं इन खुदादा नेमतों पर शुक्र का तरीका कि मैं अच्छे अमल करूं कि जिससे तू राजी हो जाए और फिर ऐसे अमल करूं कि तू मुझे जन्नत वालों में शामिल कर ले यही तो अमली शुक्र का तरीका है अपनी भी नेमतें और अपने वालदेन पर की जाने वाली नेमतों का भी एतराफ़ रब की नियमतों का भी एतराफ़ और वालदेन के हसन सलूक और उनकी खदमात का भी एतराफ आज आज औलादे शिकवा शिकायत करती हुई नजर आती है वाले हमारे लिए किया क्या? आपने फला को, देखा? आपने फला की अम्मी को देखा वो कैसे भाग के खाने खिलाती है वो कहा उनके वालि दे के जाते हैं उनके वाले ने उनको कहा से कहा पहुंचा दिया ये शिकवा वालेन का आपने हमें दिया क्या आपने हमें हमारा किया क्या कि वाले की ना शुक्री के अल्लाह हमें अपनी जिंदगी की असलाह करने की तोहफी कता फरमाए पर अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा शिक्र गुजारी का हक उसके शौहर का है रसुल्ल वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में फरमाया कि आज मुझे जहन्नम का सबसे हेपतनाक नज़ारा दिखाया गया और आज मैंने जहन्नुम में औरतों की कसरत देखी पूछा गया अलैहि वसल्लम उनके किस अमल की बुनियाद पर तो वसल्लम ने फरमाया उनके दो कामों की बुनियाद पर एक तो ये कि वो लान तान बहुत करती हैं और दूसरे वो न शुक्री करती हैं पूछा गया क्या वो अल्लाह सुबहाना त शुक्री करती हैं आपने फरमाया नहीं वो अपने शहरों की ना शुक्री करती हैं और फिर उसकी कैफियत की भी आपने निशानदेही फरमाई कि उनका हाल ये है कि उनको उनको अपने शोहर की तरफ से सारी जिंदगी भलाई और खैर मिलती है और जू ही उनको अपने शोहर से कोई तकलीफ छू जाती है वो कहती हैं मुझे तो तुमसे कभी कोई खैर और भलाई मिली ही नहीं तो लिहाजा एक खुशहाल जिंदगी के लिए पुरसकून जिंदगी के लिए मुतमइन जिंदगी गुजारने के लिए हर सतह पर शुक्र करना है बंद... बंदे को अल्लाह का और एक दूसरे को एक दूसरे का वाले औलादों के मशकूर हों औलादे वालदे की मशकूर हों अजवाज़ एक दूसरे के शुकर गुजार हों समी दोनों आपस में एक दूसरे के शुकर गुजार यू मोहब्बतें भी फैलेंगी आपस में सुकून और राहत भी होगा और इन शाह घर खुशियों का गहवारा और जन्नत का नमूना बन जाएंगे अल्लाह सुबहाना त मेरे और आपके लिए शिक्र के तरीके को पसंद करता है इसको बेहतरीन भी बेहतरीन इबादत समझ कर इसका बेहतरीन अजर भी अता फरमाता है लेकिन साथ ही अल्लाह सुबहाना कुरान में इस न शुक्री और क़ुरान नहमत की तरदीद भी करता है और ना करने वालों को भरपूर शिकवा भी करता है अल्लाह ने सूरा सूरा लादियात में फरमाया है व इंसान लकनूत कि देखो इसमें कोई शक नहीं कि वैसे इंसान अल्लाह का बहुत ही ना शुक्रा है इन इंसान अली रब ही लकनूत न शहीद और वैसे इंसान इस बात पर गवाह भी है उसको इस चीज का पता भी है कि मैं अल्लाह की ना शुक्री भी करता हूँ और अल्लाह की नाफरमानी भी करता हूँ

आतीन्ना खल्फ हिम वहींम वह फिर मैं जरूर उनको दूंगा उनके आगे उनके पीछे उनके दाएं उनके बाएं वाला तद अक्सर हम शाकिन लेकिन इनका हाल क्या होगा कि तुम इनमें से अक्सरों को शिक्र करने वाला नहीं पाओगे और वाकई अगर हम अपनी ज़िंदगी का महासभा करें तो आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ अल्लाह के इनामत ही नामाद को पाते हैं उसकी नेमतों ही के अंबार पाते हैं और अक्सरियत अल्लाह की ना शुक्री करने वाली अल्लाह की शुक्रगुजारी से बाज आने वाली है उसने कुरान में फरमा दिया व कलील उम्मी ने ना दिया शकूर मेरे बंदों में से बड़े थोड़े ऐसे हैं जो शुक्र करके ज़िंदगी गुजारते हैं नबी अलैहि वसल्लम एक हदीस मुबारक में फरमाते हैं चार ची, पांच चीजों का शुक्र पांच चीजों से पहले करो हदीस के अल्फाज पांच चीजों का शुक्र पांच चीजों से पहले करो जवानी का बुढ़ापे से पहले माली तंगी का माली, फुर, आ, माली फराखी का माली तंगी से पहले जवानी का बुढ़ापे से पहले माली फराखी का माली तंगी से पहले सेहत का बीमारी से पहले फुर्सत का मसरूफियत से पहले और जिंदगी का मौत से पहले मन दुआएँ दोहरा लीजिए आप सल्लाह वसलम ने शाकिर बनने की दुआएं सिखा दी। नमाज के बाद के मसनू अस्कार में दुआ मौजूद है रब्बी जिक्र का व शुक्र का वादत ربّي عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلني صبورا وجعلني شكورا وجعلني في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة. الله سبحانه وتعالى يا أرحم هم الراحمين، همّي همّي شكرك، إِسْدْوَالَتْ دي अल्लाह हमें जाकिर ज़बाने शाकिर दिल और साबिर जिस्मों के साथ हमें और हमारी औलादों को बेहतरीन दीन के मददगार अजवाज अता फरमा दे या अरहमर राहमीन हम सब की दुआएं कपूल फरमा हमारे घरों को खुशियों का सकून का गहवारा बना दे तकबुर की नफी करके ज़िंदगी आजजी और सादगी से गुजारने वाला अपना मुमिन फरमा बरदार मुजिम खनीफ बना दे ला बना ला तुजेकलुपना पढ़ादा इजहादय ता वहाबला ना मिल्लाका रखमा इन्ना का अंत वहा سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله <سؤال> الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين ثم